आज हम जिस चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है मंगल। दोस्तों, अगर किसी भी जातक के फर्स्ट घर में अगर मंगल हो तो उस जातक की जिंदगी पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है और क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका निदान क्या है अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो। अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो किस किस और कौन कौन सी स्थिति में बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी भी जातक के फर्स्ट घर में मंगल है तो सबसे पहले अगर जो हम आपको बता रहे हैं अगर आपकी कुंडली में है तो उसके निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप इस घर में मंगल की डिग्री को देख लें कि मंगल की डिग्री कितना है। अगर वो 10 डिग्री यानी कि 9 डिग्री से लेके 21 डिग्री तक अगर इस बीच में है तो ही वो अपना अच्छा फल या बुरा फल दे सकता है, अन्यथा वो अच्छा फल या बुरा फल नहीं भी दे सकता है। दूसरा है कि अगर इस घर पर किसी भी ग्रह, कोई अच्छा ग्रह, शनि हो, बृहस्पति हो, जो भी ग्रह है, उस ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है तो ही आप निष्कर्ष पर पहुंचे। और इस घर में कोई दूसरा ग्रह है या नहीं है, सबसे पहले हम पहले घर में मंगल की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले घर में अगर मेष राशि के साथ में मंगल है, मतलब मेष राशि अगर इसमें एक नंबर है और मंगल है तो यह किसी भी जातक को अच्छा ही फल देगा। अगर 5 नंबर है तो भी अच्छा फल देगा, अगर 6 नंबर है तो भी अच्छा फल देगा, कन्या के साथ में है तो भी अच्छा फल देगा, अगर 7वां में तुला के साथ में है तो भी अच्छा ही फल देगा, अगर 8वां वृश्चिक के साथ में है तो भी अच्छा फल देगा, 9वें के साथ में है तो भी अच्छा फल देगा, 10वां के साथ में है तो भी अच्छा फल देगा। सिर्फ दूसरा, तीसरा और चौथे में करते हैं कि अगर चौथे घर यानी कि कर्क राशि के साथ में अगर यहाँ पे मंगल है तो किसी भी जातक को ये बुरा प्रभाव या नीच का ये मंगल माना जाता है। इसकी जो दृष्टि होती है वो मंगल की दृष्टि चौथे, 7वें और 8वें यानी कि इस घर पे और इस घर पे होती है। अब मंगल किसी भी व्यक्ति का अगर कमजोर है तो उसे सबसे पहले संपत्ति, मकान, इसका प्रॉब्लम होगा। उसका निष्कर्ष और निदान भी है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद शादी से जुड़ी जो समस्या है वो जरूर होगा। उसके बाद और शादी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल यहाँ पे है तो कुछ स्थिति में मांगलिक दोष कटता है, लेकिन 90% कुंडली में वो मांगलिक ही माना जाता है, लेकिन और ग्रहों की दशा के हिसाब से उस व्यक्ति का मांगलिक कट सकता है, लेकिन उसके लिए और ग्रह की दृष्टि और ग्रह का डिग्री, शुभ और अशुभ, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे व्यक्ति अगर 8वें भी घर में भी अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो इस स्थिति में देखा गया है कि जेल से संबंधी, जेल तक भी जाने की नौबत आ सकता है, मुकदमा, जमीन से जुड़ी मुकदमा, ऐसा सब मामला मंगल अगर नीच पे यहाँ पे होता है तो किसी भी जातक को दे सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर 10 नंबर के साथ में मंगल है तो ये उच्च का माना जाता है और ये अच्छा प्रभाव किसी भी व्यक्ति के कुंडली में देता है और ये अच्छा ही लेकर दे सकता है। दोस्तों, अगर पहले घर में मंगल है तो व्यक्ति अत्यधिक संघर्षशील होगा, वो व्यक्ति अच्छा मेहनत करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की जो मैनेजमेंट स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये पराक्रम के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं। अगर ये 10 नंबर के साथ में यहां पे होगा मंगल तो। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपाय के बारे में।
कि अगर किसी व्यक्ति का मंगल अगर बुरा है तो जमीन से जुड़ी समस्या मांगलिक है तो उनकी जो शादी है वो मांगलिक ही लड़की से करना अच्छा माना जाता है। अगर मांगलिक लड़की नहीं मिल पा रहा है तो उसका दोष कटाकर उससे शादी किया जा सकता है। जेल की समस्या या मुकदमा की समस्या है उसके हम उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपको संपत्ति मकान इस सब की समस्या आ रहा है, मंगल यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे इसके साथ में अगर यहाँ पे मंगल उपस्थित है तो और मकान की समस्या आ रहा है तो सबसे पहले हम स्टोन की बात करते हैं। तो इसमें अकारात्मक और सकारात्मक मंगल के लिए आप मूंगा पहने, सफेद मूंगा या पीला मूंगा पहन सकते हैं। अगर अकारात्मक मंगल कमजोर है तो आप पीला मूंगा पहने, सकारात्मक है तो आप मूंगा धारण कर लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर दोनों अगर कमजोर है तो आप पीला मूंगा पहन के इसका समाधान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पूजा पाठ की तो मंगल अगर जमीन से जुड़ी समस्या संपत्ति से जुड़ी समस्या है तो आप सूर्य को डायरेक्ट जल दे सकते हैं। सूर्य के समक्ष में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद अगर शादी से जुड़ी समस्या है तो आप इसके लिए मंगल के बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वाइफ और हस्बैंड में तलाक की नौबत आ गई है तो इसका प्रयोग करके उसका समाधान कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने कुंडली में देखें कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है। अगर मंगल फर्स्ट घर में है तो आपकी कुंडली में यही फल देगा। अगर यहाँ पे सिर्फ मंगल है तो हाँ, इसमें अगर दूसरा कोई ग्रह बैठा हुआ है, तीसरा कोई ग्रह बैठा हुआ है या इस ग्रह पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है तो भी इसका फल चेंज हो सकता है। दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब देने का कोशिश जरूर करेंगे। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।